सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। फर्स्ट रिवाइल से मतलब है गाली के गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल करना, तो इसलिए यहां पे सिनोनिम आपका सी अब्यूज हो जाना चाहिए। रिवाइल गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल करना। रिवाइव एक वर्ड है, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना, पुनः ऊर्जावान बना देना। रिव्यू फिर से अवलोकन करना, और रिवील का मतलब होता है दर्शाना, रहस्योद्घाटन करना। इसलिए फर्स्ट का आंसर आपका हो जाएगा अब्यूज। नंबर दो में आपसे पूछा स्क्वेंडर का एंटोनिम क्या है, तो स्क्वेंडर का मतलब होता है समय और धन दोनों को व्यर्थ गंवाना। नोट कर लीजिएगा, स्क्वेंडर समय और धन दोनों को व्यर्थ गंवाना, तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो आपका आंसर आएगा डी स्किम्प। स्किम्प का मतलब किफायती तरीके से पैसों का इस्तेमाल करना, किफायती तरीके से जीना। स्पेंड व्यतीत करना होता है, रिड्यूस कम करना। स्लेंडर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्लेंडर का अपयश अपमान करना, कलंक लगाना, कलंक लगाना, अपमान करना स्लेंडर। नंबर थ्री में पूछा है कि इन सभी स्पेलिंग्स में से सही स्पेलिंग कौन सी है, तो सेंचुरी की स्पेलिंग बतानी है। सेंचुरी में एक बात तो ये कि सी आता है, एस ए एन सी आता है, इस कारण से सी आपकी स्पेलिंग नहीं हो सकती, इसमें सी गायब है। दूसरा टी यू ए आता है, तो टी यू ए आएगा, इसलिए आपका आंसर फिर डी आएगा, सेंचुरीज। अभ्यारण्य को बोलते हैं सेंचुरीज अभ्यारण्य। नंबर फोर, He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. इसमें बताना है कि गलती किस पार्ट में है, तो he had already sent me the message होना चाहिए, क्योंकि यहां पे मैसेज को आगे डिफाइन किया गया है। मैसेज कौन सा वो आगे दे रखा है, that his arrival was scheduled for Thursday, कि उसके जो आगमन है वो थर्सडे को होना था, ये मैसेज तो निश्चित हो गया मैसेज, इस कारण से आंसर ए आएगा, मैसेज से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। नंबर फाइव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डू नॉट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। फॉलआउट से मतलब होता है इफेक्ट और रिजल्ट, इफेक्ट और रिजल्ट को बोलते हैं फॉलआउट, और फॉलआउट को जनरली हम कंसीडर करते हैं कि ये अनकाउंटेबल है। फॉलआउट एक अनकाउंटेबल नाउन के रूप में कंसीडर की जाती है। अगर ये अनकाउंटेबल है, सबसे पहली बात तो ये नाउन क्यों है, क्योंकि देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन का ही प्रयोग किया जाता है, और चूंकि अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का एक ही फॉर्म पॉसिबल है कि आप सिंगुलर ही रखें, तो एक तो एस नहीं आएगा, एस नहीं आएगा, और एक बात ये कि सिंगुलर वर्ब लगेगी तो डू के स्थान पर फिर डज नॉट आ जाएगा, तो आपका आंसर बी होगा। इसका मीनिंग ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट, विज्ञान और तकनीकी और उनके जो प्रभाव हैं, डज नॉट कंप्लीट ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन कल्चर कल्चर को कंप्लीट नहीं करती है, तो फॉल आउट और डज नॉट, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का नेचर सिंगुलर ही होता है, इसलिए सिंगुलर मानते हुए हटेगा और सिंगुलर वर्ब अप्लाई की जाएगी। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। एंग्री बर्ड यहां पर सिंगुलर है, इस कारण से यहां पर फ्लैप ना आके फ्लैप्स होना चाहिए, फ्लैप का फड़फड़ाना होता है। क्रोधित पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूरी के लिए उड़ता है, एंड रिटर्न्स वापस लौट आता है, ये इसका ट्रांसलेशन है, तो ए आंसर आएगा फ्लैप्स। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। नंबर सेवन, द क्लॉक हैज डैश फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग। वाइंड का मतलब घड़ी में चाबी भरना होता है। इसके तीनों फॉर्म्स की अगर बात करें तो वाइंड वी जीरो फॉर्म है, फिर इसका पास्ट फॉर्म करेंगे तो वाउंड बनेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो फिर से वाउंड बनेगा, तो वाइंड वाउंड वाउंड ये होना चाहिए, और रन डाउन यहां पे आंसर आएगा, क्योंकि कमजोर पड़ने को रन डाउन बोलते हैं। द क्लॉक हैज रन डाउन फॉर वांट ऑफ वाइंडिंग। क्लॉक जो है वो कमजोर हो चुकी है, मींस कमजोर पड़ने का यहां पे ये है कि रुक जाना, रुक गई है, कारण कि उसको घड़ी में चाबी भरने की आवश्यकता है, चाबी भरने पर ही वो आगे चलेगी, तो आंसर रन डाउन। नंबर एट, फ्यू पीपल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्चर्स टू डैश डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स। टेक्चर का मतलब होता है फील करना, टच करके फील करने को बोलते हैं टेक्चर, संरचना या बनावट भी बोल सकते हैं आप इसको। तो फ्यू पीपल नो दैट, कुछ ही लोग हैं या ना के बराबर लोग हैं जो जानते हैं कि फ्लावर्स हैं वो अपने
संरचना या बनावट का यूज करते हैं अलग अलग प्रकार के कीटों को करने के लिए। कीट चूंकि फूलों पर जाकर बैठते हैं तो ये अट्रैक्ट एकदम सही वर्ड होगा कि आकर्षित करने के लिए, तो सी आंसर आना चाहिए अट्रैक्ट। सिग्नल संकेत को बोलते हैं, फील महसूस करना, डिस्ट्रैक्ट का मतलब भटकना। नंबर 9 पूछा है, दे अबेंडेंड देयर कॉमरेड्स डैश द वॉल्स। कॉमरेड का मतलब साथी या मित्र को बोलते हैं, कॉमरेड फ्रेंड का सिनोनिम है। दे अबेंडेंड देयर कॉमरेड्स, उन्होंने अपने साथियों को छोड़ दिया भेड़ियों के बीच। चूंकि भेड़िए यहां पे संख्या नहीं दे रखी आपको, हालांकि दो ही ऑप्शन अप्रोप्रिएट थे, बिटवीन या अमंग, लेकिन अगर दो होता तो बिटवीन लगाते, चूंकि यहां पे संख्या नहीं है तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि दी गई संख्या दो से अधिक है, इसलिए आपका आंसर अमंग होगा डी। फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस, फोर कीप्स का मतलब, तो फोर कीप्स का मतलब होता है जो कंटिन्यू रहता है, और कंटिन्यू रहता है तो इन चार ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन फेवर करता है, फॉरएवर आना चाहिए, इस कारण से आंसर सी होगा। हिड यहां पे छिपाना है जो हाइड की सेकंड फॉर्म है, तो आंसर फोर कीप्स का सी, फॉरएवर। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब है, यहां पे इनसिग्निफिकेंस से ही मतलब निकाल लीजिए, जो महत्वपूर्ण कम हो। सिग्निफिकेंट का ऑपोजिट इनसिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंस का इनसिग्निफिकेंस हुआ, तो इसलिए सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, जो कम महत्वपूर्ण प्रतीत हो उसे कहते हैं पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। विद वन वॉइस का मतलब है एक ही आवाज हो, एक आवाज हो मींस एक मत हो, एक मत अगर है तो सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति से हो तो सी आएगा यूनैनिमसली। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछ सकते हैं इससे। विद वन वॉइस यूनैनिमसली, सर्वसम्मति से। फिर जो नेक्स्ट पूछा आपसे वन वर्ड्स है, ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजीली, ऐसी दवाइयां जिससे व्यक्तियों को नींद आसानी से आ जाती है, सोपोरिफिक कहलाती हैं। सोपोरिफिक वो दवाइयां हैं, वो ड्रग हैं जो लोगों को जल्दी सुलाने के में सहायक है। पॉपी है वो अफीम का जो पौधा होता है उसके फ्लावर्स को बोलते हैं पॉपी, अफीम के फ्लावर्स। बिगाइल का मतलब धोखा देना है, टू चीट, सी का जो ऑप्शन बिगाइल है, धोखा देना। पेडेंट का मतलब है जो अपने ज्ञान का झूठा दिखावा करता है, वन हु शोज ऑफ हिज नॉलेज इज कॉल्ड पेडेंट, जो दूसरों की छोटी मोटी गलतियां निकालता है उसको पेडेंट कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। फिलोसॉफी की वो ब्रांच जो कंसर्न होती है, जो संबंधित है विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता के सिद्धांत, विशेषतया कला के अंदर सुंदरता के सिद्धांतों पर डिपेंड करती है, उसको एस्थेटिक्स बोलते हैं, बी सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र तो एस्थेटिक्स। आर्टिस्टिक है वो कला से संबंधित, आर्टिस्टिक कला से संबंधित। एथिक्स नीति शास्त्र को बोलते हैं, और मेटाफिजिक्स तत्व विज्ञान, मेटाफिजिक्स से मतलब है तत्व विज्ञान। द स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा का अध्ययन, डर्मेटोलॉजी, बहुत ही आसान सा वर्ड है। डर्मा जहां लगता है, रूट, इसका मतलब स्किन ही होता है। डर्मेटो ग्लाइफिक्स, ये त्वचा के पैटर्न का अध्ययन होता है, स्किन के जो पैटर्न हैं उनका अध्ययन डर्मेटोग्लाइफिक्स, डर्मेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्किन है। स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ स्किन इज कॉल्ड डर्मेटोग्लाइफिक्स। स्ट्रेटिग्राफी में पृथ्वी के परतों का अध्ययन होता है, स्ट्रेटिग्राफी पृथ्वी की परतें, क्योंकि स्ट्रेटा जो है वो परत को बोलते हैं। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, ट्यूमर का अध्ययन। लजी जहां वर्ड जुड़ता है वहां पे स्टडी है रूट वर्ड, ऑन्कोलॉजी का मतलब है ट्यूमर या कैंसर का अध्ययन, तो आंसर होगा ए। फिर 16-20 आपसे पूछा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, शी हैज दैट रेयर कैरेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल, उसमें वो दुर्लभ सा कैरेक्टर है, द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल,
और वो करेक्टर मीन्स यहाँ पे करेक्टर चरित्र नहीं है, गुण से मतलब है, इस लिहाज से आपको आंसर डी करना है, नो इंप्रूवमेंट, कोई गलती नहीं है। वो गुण है दूसरों को सुनने की योग्यता। 17 में पूछा है बोथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलोजाइज्ड यट, तो बोथ ऑफ देम हैव नॉट, नॉट अगर लगता है तो फिर बोथ और नॉट दोनों साथ में यूज नहीं होते हैं, क्योंकि बोथ एक अफर्मेटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके स्थान पर आप यूज कर सकते हैं नीदर ऑफ देम। नीदर इसलिए क्योंकि यहां पे दो दे रखा है, बोथ का मतलब दो ही कंसिडर करना है, तो नीदर का प्रयोग करेंगे, नन का प्रयोग दो के लिए नहीं हो सकता। और एनी ऑफ देम इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पे हैव लगाया हुआ है, जबकि आपको हैज लगाना था, क्योंकि रूट जो है वो एनी हो जाएगा, सिंगुलर को डिनोट करेगा, तो नीदर ऑफ देम हैज। 18 में पूछा द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, एक ही सेंटेंस में दो बार डिग्री कंपेरेटिव होती है तो फिर आपको दे का प्रयोग करना पड़ता है, ग्रेटर से पहले दे है, इसी प्रकार से हायर से पहले भी दे लगेगा, तो दे हायर होगा तो आपका आंसर सी होगा, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। 19 हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज येट अनदर फेदर इन हिज विंग, ये एक फिक्स्ड फ्रेज है, उपलब्धि को फेदर इन कैप बोलते हैं, तो फेदर इन हिज कैप, एक और अचीवमेंट, हिज अपॉइंटमेंट एज कोच, कोच के रूप में उसकी जो नियुक्ति है, इज येट अनदर फेदर इन हिज कैप, वो एक और उपलब्धि है उसके लिए। 20 द मेजोरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर्स, ऐसी भारतीय नदियां जो बारिश के पानी से ही फीड होती हैं, उनकी जो मेजोरिटी है, ईदर ड्राई अप, या तो वो सूखी रहती हैं, और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मॉनसून, या फिर उनमें बहुत ही कम पानी की मात्रा होती है मॉनसून के बाद। ट्रिकल का मतलब लिख लीजिएगा बहुत कम मात्रा होना, ट्रिकल से अर्थ है किसी भी द्रव पदार्थ की बहुत कम मात्रा होना, तो यहां पे अट्रिकल होना चाहिए, बिकम अट्रिकल। क्योंकि नाउन है और उस क्वांटिटी के लिए यूज करना है आपको, वैसे क्वांटिटी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं आर्टिकल, लेकिन यहां पे बिकम अट्रिकल इसलिए क्योंकि यहां पे बिकम के बाद में कॉम्प्लीमेंट लगाना है, और वो उस नदी के लिए कहना चाह रहा है कि वो ऐसा बन जाती है, तो उस नदी को मानते हुए आपको काउंटेबल नाउन कंसिडर करते हुए अट्रिकल का यूज करना है। फिर ये पैसेज, पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉट आर साइंटिस्ट डूइंग, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज जे ब्रूस जर्मन से, जे ब्रूस जर्मन क्या कहते हैं, व्हाट इज जेनोमिक्स, जेनोमिक्स क्या है, और लास्ट के दो क्वेश्चंस, व्हाई वांट अ कॉमन डाइट फिट एवरीबॉडी, कि कोई सामान्य भोजन अगर बात करें तो वो हर एक को फिट क्यों नहीं, सूट क्यों नहीं करता, और व्हाट विल बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, भविष्य में क्या चीज संभव हो जाएगी। तो देखो पैसेज, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवोल्यूशन इन हाउ वी ईट एंड इट इज गेटिंग क्लोजर एवरी डे, तो कहना चाह रहा है कि यह किसी क्रांति से कम नहीं है, रेवोल्यूशन से मतलब है क्रांति, यह किसी क्रांति से कम नहीं है, कि कैसे हम खाते हैं एंड इट इज गेटिंग क्लोजर एवरी डे, और धीरे धीरे ये उस क्रांति के जैसा ही नजदीक होता जा रहा है। यस अ लॉट ऑफ पीपल आर ओबेस, हाँ बहुत सारे लोग मोटे हैं, ओबेस का मतलब मोटा होना, एंड यस द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग सीम्स टू चेंज ऑल द टाइम, और ये बात भी निश्चित है कि स्वस्थ भोजन की अगर परिभाषा की बात करें, हेल्दी ईटिंग की बात करें, तो वो हर समय चेंज होती रहती है डेफिनेशन। बट इन लैब्स एंड रिसर्च सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड साइंटिस्ट आर रेसिंग टू मैच आवर जीन्स एंड आवर टेस्ट बड्स, लेकिन लैब्स में और रिसर्च सेंटर में पूरे विश्व भर में वैज्ञानिक हैं, रेसिंग टू मीन्स वो कम्पीट कर रहे हैं, वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, टू मैच आवर जीन्स, हमारे जीन्स को मैच करने में, और हमारे टेस्ट बड्स को मीन्स हमारे स्वाद किस प्रकार से हमारा होना चाहिए, क्या टेस्ट होना चाहिए, उसको मैच करने में, क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर ईच ऑफ अस, और हम में से प्रत्येक के लिए एक परफेक्ट डाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डाइट दैट विल फाइट डिजीज, एक ऐसा भोजन जो कि बीमारी से लड़ेगा, इंक्रीज लॉन्गेविटी, लॉन्गेविटी से मतलब होता है लॉन्ग लाइफ,
लंबे जीवन को बढ़ाएगा, बूस्ट फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस, शारीरिक और मानसिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, मतलब बढ़ाएगा, एंड टेस्ट ग्रेट टू बूट। और भोजन भी अच्छी सीमा तक, अच्छे एक्सटेंट तक, मतलब जिसका टेस्ट सही तरीके का भोजन हो उसी के टेस्ट को बूट करेगा। एज फूड साइंटिस्ट जे ब्रूस जर्मन सेज, ये पहला प्रश्न का आंसर आ रहा है, जैसे कि फूड साइंटिस्ट जे ब्रूस जर्मन कहते हैं, द फूड्स वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस, कि जो भोजन हमें सबसे अधिक पसंद है वही हमारे लिए सबसे अधिक स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। इज दैट गोइंग टू बी अ ग्रेट डे और वॉट, क्या ये अच्छा या ऐसा दिन आएगा जो कि बहुत ही ग्रेट हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऑल दिस विल कम टू पास थैंक्स टू जेनोमिक्स, ऐसा होने जा रहा है और जेनोमिक्स को धन्यवाद। जेनोमिक्स क्या है? एक और आंसर आ रहा है, द साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब्स एन इंडिविजुअल जेनेटिक कोड, एक ऐसा विज्ञान जो किसी व्यक्ति के जेनेटिक कोड को, जीन की संरचनाओं चीज होती है उसको मैप करता है, उनका पता लगाता है, उनको डिस्क्राइब करता है। इन द फ्यूचर पर्सनलाइज्ड डीएनए चिप्स विल अलाउ अस, फ्यूचर में क्या होगा? एक और आंसर आ रहा है कि फ्यूचर में जो पर्सनलाइज्ड डीएनए चिप्स हैं विल अलाउ अस टू एसेस आवर ओन इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन फॉर सर्टेन डिजीज। फ्यूचर में जो पर्सनलाइज्ड डीएनए चिप्स हैं वो हमें अलाउ करेंगी कि हम मूल्यांकन कर पाए, एसेस का मतलब मूल्यांकन करना होता है, आवर ओन इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन फॉर सर्टेन डिजीज, कि कौन सी बीमारियां हैं जो हमारे हो सकती हैं, इनहेरिटेड जो हमें विरासत में मिली है, प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है पहले से व्याप्त है। देन एडजस्ट आवर डाइट अकॉर्डिंगली, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारे डाइट को एडजस्ट कर दिया जाएगा। सो इफ यू आर एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, इसलिए यदि आपको खतरा है कि हृदय बीमारियां हो सकती हैं, यू वॉन्ट जस्ट गो ऑन ए जेनेरिक लो फैट डाइट, तो ऐसा नहीं है कि आपको लो फैट डाइट ही लेनी पड़े। यू विल ईट फूड्स विद जस्ट द राइट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फैट दैट इज बेस्ट फॉर यू, बल्कि आपको भोजन वो लेंगे जो कि आपके जो फैट की मात्रा है वो एकदम परफेक्ट अमाउंट में हो, सही प्रकार की हो। यू विल इवन बी एबल टू ट्रैक योर मेटाबोलिज्म डे बाई डे टू डे टू डिटरमाइन वॉट फूड्स यू शुड ईट एट एनी गिवन टाइम फॉर एनी गिवन एक्टिविटी, आप इसके भी समर्थ बन जाएंगे कि आप अपने उपापचय जो क्रिया है, मेटाबोलिज्म की जो प्रोसेस है, उसको ट्रैक कर पाए डे बाई डे, ताकि आप पता लगा सकें कौन सा भोजन हमें किसी भी समय लेना है, किसी भी एक्टिविटी होने पर लेना है। सिंस पीपल डिफर इन दियर जेनेटिक्स एंड मेटाबोलिज्म, चूंकि हर व्यक्ति का अलग अलग जेनेटिक्स, अलग अलग मेटाबोलिज्म है, वन डाइट वॉन्ट फिट ऑल, ये एक और प्रश्न का आंसर आ गया कि एक ही डाइट है वही सबको फिट नहीं करेगी, ये जर्मन कहते हैं। एज कॉम्प्लेक्स एज ऑल दिस साउंड्स, जितना ये दिखता है उतना ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इट कुड टर्न आउट टू बी रिलेटिवली सिंपल, जितना कॉम्प्लेक्स दिखता है जैसा कि साउंड कर रहा है, देखने प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये इसके तुलना में बहुत अधिक सिंपल हो सकता है। व्हाट आर साइंटिस्ट डूइंग, 21 का क्वेश्चन पूछा है, तो 21 में आंसर, रेसिंग इन लैब्स एंड सर्च रिसर्च सेंटर अराउंड द वर्ल्ड, दो और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। आस्किंग अस टू स्टार्ट डाइटिंग, क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर अस, तो एकदम सही जो प्रोसेस का है वो सी आ जाएगा कि हमारे लिए परफेक्ट डाइट बना रहे हैं, आने को तो आंसर ए भी आ सकता है लेकिन अधिक इंपॉर्टेंट ये वाला है, अधिक प्रॉपर ये है। व्हाट डज जे ब्रूस जर्मन से, जे ब्रूस जर्मन क्या कहते हैं, द फूड वी लाइक इज नॉट हेल्दी फॉर अस, ये बात नहीं कही गई थी कि जो भोजन हम पसंद करते हैं हमारे लिए हेल्दी नहीं है, उन्होंने तो ये कहा था कि जो हम पसंद करते हैं वही सबसे हेल्दी है, तो आंसर बी होना चाहिए, द फूड वी लाइक इज द हेल्दीएस्ट वन फॉर अस। वॉट इज जेनोमिक्स, जेनोमिक्स बताया था वो साइंस जो मैप और डिस्क्राइब करता है किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक कोड को, तो आंसर डी आ जाएगा। वाई वॉन्ट ए कॉमन डाइट फिट एवरीबडी, इसका आंसर लास्ट में आया था कि मेटाबोलिज्म डिफरेंट होता है और जेनेटिक्स डिफरेंट होते हैं, तो इस कंडीशन में आपका आंसर सी हो जाएगा, सिंस दे डिफर इन जेनेटिक्स एंड मेटाबोलिज्म। एंड लास्ट वन, व्हाट विल बी पॉसिबल इन द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या पॉसिबल होगा, तो ये था कि पर्सनलाइज डीएनए चिप्स जो लोगों के लिए है वो उनको अलाउ करेगा कि एसेस कर सकते हैं इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशंस को, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है।